हेलो गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। गाइज ये वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फुल देखना। बीचों बीच बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कैसे गिल्ड में आओगे, गिल्ड में कैसे प्लेयर चाहिए, ठीक है गाइज। ये टूर्नामेंट हम जीतू गेमिंग लाइव भाई के लाइव पे गए थे और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिए थे और कैसे खेले थे, लेकिन फाइनल पे हार गए थे क्योंकि बीआर प्लेयर मैं नहीं हूँ। आपको सबको पता है हम सीएस प्लेयर है, पीसी प्लेयर, तो बीआर बिया नहीं। उसके बाद भी बिना प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ जितना हो सकता है उतना किया आगे, और भी उनका बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट चल रहा है, अब भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो गाइज। अभी भी गाइज डेड मैन गेमिंग ने बुआ निकाला है, उसके बाद यहाँ पे एंड में मजनू भाई ने क्या डोमिनेट करा है। भले ही जेडी की स्क्वाड पहले ने बुआ निकलती, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आई है और मजनू भाई के क्या रेड नंबर देखने को मिले हैं। और क्लाउड का क्या भाई यहाँ पे बोलूंगा, जो कवर था और भाई जो बंदे का एम एक्यूरेसी जो देखने को मिली, मजा आ गया गाइज उसमें। और उसके बाद गाइज ये था आज का मैच, ये था गाइज कैसे पार्टिसिपेट करोगे, वो उनका चैनल गाइज जीतू गेमिंग लाइव गाइज, उन चैनल के जाके उनको पूछ सकते हो, उनका नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनका चैनल पे मिल जाएगा गाइज। और टूर्नामेंट में ज्वाइन कर लो, एक बड़ा टूर्नामेंट उनका आ रहा है, हम भी ज्वाइन कर लिए गाइज, आप भी ज्वाइन कर लो। और गाइज चलिए देखते हम उनका टूर्नामेंट में कैसे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन फाइनल पे हार गए थे, कोई बात नहीं, ये टूर्नामेंट में देखेंगे थोड़ा अच्छा। चलो गाइज वीडियो एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, वीडियो पूरा देखो। और गिल्ड में कैसे आओगे लास्ट में, बीचों बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, देख लेना गाइज, ठीक है। सात नंबर प्लॉट में तीन ही तो बंदा है, हत्यारा उसका आ गया, हिमांशु लीव कर दो, लीव करेगा और क्या भाई, छोड़ने को किसने कहा था, उन्हें तो मन करता ना, स्पैक ऐड की मत करना। अभी तिलक के लोग स्पैक में घुस गए क्या, एक बंदा इनका कौन, सुदीप हाँ तिलक, अगर मैं फोन से कस्टम लीव करूंगा तो चलेगा ना, चलेगा किसी में चलेगा, स्टार्ट हो गया तभी किसी में करना। जीत भाई वहाँ से किक करोगे तब भी नहीं होगा ना, नहीं मैं देख लूँ ना। ओह माय गॉड, अर्ली फाइट देखने को मिल सकता है क्या हमें, और यहाँ पे जेडी यानी द गैंगस्टर की स्क्वाड उतर चुका है, लैला मजनू ये उतर चुका है, कहाँ पे स्नेल ऐसा कुछ जगह का नाम है, बुरो मेरे को पढ़ना नहीं आया, ठीक है। सुसाइड स्क्वाड उतर रहा है, कहाँ पे ये लोग उतर रहे हैं, और हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा। और गाइस टूर्नामेंट प्लेयर मेरे को बहुत चाहिए, जरूरत है, जो भी बीआर प्लेयर मेरे को यहाँ पे यूआईडी कमेंट कर सकते हो, सीएस प्लेयर भी यूआईडी कमेंट कर सकते हो। चलो गाइस वीडियो एंजॉय करो, फिर मिलते हैं अगला एक वीडियो के साथ। कौन सी जगह पे बताओ, स्लॉट कौन सा, ब्रॉक्स का देख लो, ब्रॉक डेडमैन गेमिंग और फाउंडेशन, वो बैठ जा, वो बीत और हैनिल बचे, दोनों के दोनों भाग रहे हैं यहाँ से, वो बीत और हैनिल, सिर्फ वो बीत और हैनिल। तो भाई हम थोड़ा सा मिस कर गए, मैं एक बार देख लूँ कि कहाँ पे बंदा, और आई बिल्कुल कृष्णा, और यहाँ पे नीति नेवेब के टीम से टॉक्सिक अकेले बचे, क्या टॉक्सिक यहाँ पे रिवेब दे पाएंगे अपने बंदों को, और यहाँ पे बीसी चैंपियन के, और क्लाउड ने पूरा ले लिया ना, कौन सा स्क्वाड गया नितिन की, और जीटू गेमिंग की स्क्वाड वाइप आउट हो गई भाई, कहां से दिखाऊं अपनी स्क्वाड वाइप आउट हो चुकी है, पहली एलिमिनेट हो गई है, सोच समझ के बोलो, देख के बोलो, आपकी टीम तरफ से मैं खेलूं ब्रो, हो गया वाइप आउट, कौन से कस्टम में खेलोगे आप, टीम एंट्री कराई नहीं तुम लोग ने जब कस्टम स्टार्ट हुए, तो भाई मेरे को स्क्वाड बस लेना मजनू हो चुका है, और यहां पे सुसाइड स्क्वाड के बंदों को निकाला गया है, नहीं सुसाइड स्क्वाड ने लेला मजनू से बंदे को निकाला है, एक बंदे क्लाउन को निकाल लिया जो किसी प्लेयर का, पीसी प्लेयर, और आयान डेक्सटर और बच्चे हुए हैं कहां पे सप्लाई क्रेट भी लेके नहीं खेल रहे थे, नारुतो को डाउन निकाला गया, उसके बाद बताओ सिर्फ 17 बंदे बचे, जोन जा रहा हमारा कमांड पोस्ट और सबके बीच में, क्या ही लेवल का गॉड था, गॉड कहा है किसी के सामने, एक बंदा वहां पे पूरा वॉल पे पैक करके बैठा है, और ये फाइट चल रही है जोन में, अपना पैर जमा के जड़ लगा के मिट्टी में कालाहारी की, खान ने यहाँ पे डाउन किया है, खान ने डाउन किया है, जीत को डाउन किया, क्या जीत को फिनिश अप दे पाएंगे, जेडी की स्क्वाड जा रही है, यानी वहाँ पे कोई और बंदे ने फाइट लिया है,
और स्क्वाड बता दूंगा, एक दो तीन स्क्वाड, एक के पूरे के जेडी के स्क्वाड का पूरा बचा है, और मजनू भाई के तीन बंदे और गॉड खान अकेले। आयन बाइक से थोड़ा परेशान कर पाएंगे अपने सामने जो टीम मेट से उन सामने बंदों को, और यहाँ पे धूम मचा लेके भाई सब क्या जम दिखाई आयन ने यहाँ पे निकाला एक बंदा, यहाँ पे एलन क्लाउड ने यहाँ पे एक बंदा निकाला है, और यहाँ पे एस प्लेस जाते हुक गन का यूज करते हुए फोड़ा गया सामने, और सामने जाते हैं मजनू भाई के पास बंदा रन करा, और यहाँ पे डाउन एस प्लेस, एस प्लेस को बंदे का पता ही नहीं था, सामने से ग्रेनेड मारा आई थिंक जेडी की टीम ने। ओ भाई शॉप मजनू भाई, क्या ही रेड नंबर M4A1 का, और मेरे हिसाब से पूरा ले लेना चाहिए था मजनू भाई को, वो क्या पता जेडी यहाँ पे अपना है नहीं ओरिजिनल लाइन, क्या पता हो भी सकता था रिवाइव, बट पूरा। और मजनू भाई का गेम प्ले भाई, दो बंदे डाउन करने के बाद अपने बंदे को रिवाइव भी मिला है, और अयान भाई यहाँ पे लास्ट बंदे के पास पहुंच गया। मेरे हिसाब से रश नहीं करना चाहिए, पोजीशन बहुत जरूरी है गाइस, एक एक पॉइंट की पोजीशन आपको डोमिनेट पे कर सकती है। यहाँ पे बंदा नीचे पहुंच गया है विनीत के नीचे, जेडी अभी भी डाउन पड़े हैं, और सिर्फ दो स्क्वाड बची है, 3v2 है, अकेला बंदा 1v3 है मेरे हिसाब से। विनीत यहाँ पे कितने बंदे ले पाएंगे अकेले, ये देखना बनता है गाइस, विनीत अकेले कितने बंदे एलिमिनेट कर पाएंगे। और बंदे ने रस कर दिया, बंदे ने रस करा, विनीत ने डैमेज दिया और एलिमिनेट, अपना किल पॉइंट बचा लिया एंड में, बट बाय द वे मजनू भाई ने पूया निकाल दिया यहाँ पे भाई साहब, मजनू ना क्या भरा है उसको यार, M4A1 तो लाल भाई हमारा डे टू में तो गाइस ये थे मैच का लास्ट कस्टम था, और लास्ट कस्टम खत्म हो चुका है, और यहाँ पे बुइया करते हुए जा रहे हैं लैला मजनू की टीम। और भाई साहब मैं इनको बोलना चाहूंगा कि लास्ट में बुइया करने के लिए मत भूलना।